करारदाद मैच 7/24 से फिर दो संजुम शहर पुना कोंडवा में महानगर पालिका की लापरवाही की वजह से 5 सालाना मासूम बच्चे का इंतकाल हुआ। कोंडवा के जनता की मांगनी है कि कारपोरेशन ठेकेदार पर जल्द से जल्द कार्रवाई हो। चले आइए देखते हैं दिनेश परमार के कवरेज की तरफ। नमस्कार दोस्तों, मैं दिनेश परमार 7/24 चैनल से। आप देख सकते हैं हम रुके फिलहाल सेवा नगर के अंदर, जहाँ पे गली क्रमांक 10 के अंदर एक बहुत ही भयंकर हादसा हो चुका है। मैं कहता हूँ कि ये हादसा भगवान करे या अल्लाह करे किसी घर में ना हो, ऐसा हादसा हुआ है सेवा नगर के अंदर। आइए जानते हैं इनसे कि हादसा एक्चुअली क्या हुआ था और किस कारण हुआ था। सर, मैं आपसे जानना चाहूंगा ये जो हादसा आज हुआ है ये किस कारण हुआ है? ये जो यहाँ पर प्रशासन का काम चालू रोड का जी, इसके अंदर एमसी के जो डब्बे दिख रहे हैं जी, आप देख सकते हैं ये एमसी का डब्बा है। इसी डब्बे को टच कर आज कोंडवी की स्थिति इतनी खराब हो चुकी है। रस्ते के ऊपर जहाँ पे काम चल रहा था उस दौरान आप देख सकते हैं हमारे चैनल के माध्यम से यहाँ पे एक लाइट का बोर्ड है, लाइट के बोर्ड को बच्चे का टच होकर उस जगह पर डेथ हो चुका है। आइए इनसे जानते हैं हम कि ये घटना किस चरण घटी थी, उसका टाइमिंग क्या था और घटना कैसे घटी है। ये दोपहर के वक्त हादसा हो गया जी। बच्चा मस्जिद में पढ़ने गया था, 4 साल का मासूम बच्चा है। जो प्रशासन का यहाँ पर काम चालू है देख रहे हैं आप सामने के रोड का पूरा, आज एक महीना तकरीबन हो गया है काम चालू के। अब काम चालू होते हुए प्रशासन का यहाँ पर कोई भी कर्मचारी जो देखना मांगता कि भाई अभी छोटे मासूम बच्चे जो आ रहे जा रहे, अब उस जगह पे ये एमएसबी का जो आप देख रहे डब्बा ये पूरा डब्बा सामने से खुला है और उस जगह पे वायर के जो वायर के गुच्छे उसके ऊपर का जो सपोर्टर जो रहता वो मतलब पूरा ये जीसीबी की वजह से पूरा वो कट गया था जी। अब वो बच्चा खेलते खेलते आया, जीता के सीसीटीवी में हमने देखा कि बच्चा खेलते खेलते आके वो वायर को हाथ लगाया तो वहां पर उसको करंट से बैठने के बाद में उसको यहाँ से हॉस्पिटल लेके गया, बेहोश हो गया था बच्चा, जिसके वजह से हॉस्पिटल में उसकी डेथ हो गई, बताया गया कि डेड हो गई बच्चे की। तो मेरा आप लोगों से आपके चैनल के माध्यम से ये निवेदन है कि प्रशासन यहाँ पर जो लापरवाही दिखी है प्रशासन की और एमएसबी की, जो आज जो डब्बे देख रहे हैं आप जाके वहाँ पर देख सकते हैं पूरा सामने से पूरा खुला है, तो इसमें एमएसबी का भी रोल है क्योंकि एमएसबी अब यहाँ पर हजारों के संख्या में लोग आते जाते जी, रोज का आवन जावन है जी। तो उस जगह पे छोटे मासूम बच्चे भी है और बूढ़े भी है, हर एक कोई व्यक्ति आ रहा है, लेडीज हमारी माँ बहने भी आती है। तो आज सोचो वो बच्चे के साथ में और दो बच्चे थे जी, अब वो बच्चा जैसा गिरता है नीचे तो जो उसके पीछे दो बच्चे थे वो बच गए जी। आज अल्लाह के करम से हमारे साथ में जो 3 हादसे होते थे बच गए, मगर एक हादसा हो गया जिसकी वजह से आज उसके घर वाले आज उनके ऊपर क्या बीत रहेंगी, जिसका बच्चा गया उसको ही मालूम। मगर हम मोहल्ले के एक सदस्य होने के नाते, एक नागरिक होने के नाते, मैं भी एक सोशल वर्कर हूँ, तो उस नाते मैं चाहता हूँ कि प्रशासन के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए और जो भी इस काम के अंदर कॉन्ट्रेक्टर हो, चाहे नगर सेवक हो, नगर सेविका हो, जो लोग भी इसके अंदर है उनके ऊपर मैं चाहता हूं कि अगर वो इसके अंदर इंडोल ले तो उनके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जब नारियल फोड़े जाते हैं तो जो लोग काम करते हैं तो काम करने के बाद में उनका फर्ज बनता है, जैसा एक अपने घर अपन एक बिल्डिंग बना रहे जी, तो बिल्डिंग बनाने के बाद में बिल्डर का क्या काम है कि भाई उसकी हिफाजत करना उसका काम है जी। तो वैसा रोड का जब प्रशासन के जब अधिकारी जब यहाँ पर कोई भी काम के लिए नारियल फोड़ते तो उनका एक आदमी इधर रुकना मांगता, हाँ